यूपी चेयरपर्सन और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में बयान देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रेल कोच फैक्ट्री का निजीकरण करना गलत है। सोनिया ने रेल बजट के अलग प्रावधान को खत्म करने पर भी निशाना साधा, साथ ही कहा कि PSU कंपनियों का क्या हाल है ये आज देश के सामने है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का मकसद जन कल्याण होता है, ये कहा सोनिया गांधी ने। कह रहे हैं कि BSNL और MTNL के साथ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लोकसभा में आज सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है। ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारतीय रेलवे का ये सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है। ये सबसे अच्छी इकाइयों में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत बहुत पैसा लगाया है। अपनी कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल करने वाले 2000 से ज़्यादा मजदूरों और कर्मचारियों को मैं इस साधन में बधाई देती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक इकाई का कंपनीकरण करना चाहती है।